नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बिलिरुबिन डायरेक्ट की किट हम किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे बिलिरुबिन डायरेक्ट की किट प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएंगे, जो कि हमारे किट इंसर्ट के अंदर दिया गया होगा, जो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पर आ जाना है। इस ऑप्शंस में से हम यहाँ पर टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से हम यहाँ पर ऐड न्यू टेस्ट को सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है हमें ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे कि हमारा जो किट है बिलिरुबिन डायरेक्ट का वो एंड पॉइंट मोड का है या काइनेटिक का है या किसी और मोड का है। अब दोस्तों, ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए हमारी जो बिलिरुबिन डायरेक्ट की किट है वो एंड पॉइंट मोड पे काम करेगी। तो इस लिस्ट में से हम यहाँ पर एंड पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी है। इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लेबोरेटरी के सेटिंग्स के हिसाब से सूटेबल हो। इस वीडियो में मैंने BILD नेम ऐड किया है। नेम ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की एंटर करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 546 नैनोमीटर और सेकेंडरी वेवलेंथ के आगे 600 नैनोमीटर मेंशन किया हुआ है। अब ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फिल्टर 1 सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। फिर हम फिल्टर 2 का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से सेकेंडरी वेवलेंथ की जो वेवलेंथ हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी वो हम सिलेक्ट कर देंगे। यदि एग्जैक्ट वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है तो जो सबसे नियरेस्ट वेवलेंथ है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करेंगे। दोस्तों, हम काइनेटिक फैक्टर को 1.0 ही रहने देंगे, इसे हम एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करेंगे। अब एस्पिरेशन वॉल्यूम को हम 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो यूनिट की ऐड करेंगे। अब यूनिट की जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर लीनियरिटी का कॉलम देखना होगा। जो यूनिट हमारे लीनियरिटी कॉलम के आगे मेंशन की गई है वही यूनिट हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। यूनिट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिस्ट में से हम वो वाली यूनिट ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो लैग टाइम की होगी। दोस्तों, यहाँ पर लैग टाइम का मतलब ये है कि जब हम रिएक्शन वॉल्यूम या रिएक्शन मिक्सचर जब हम मशीन के अंदर एस्पिरेट करेंगे तो उसके कितने सेकंड्स के बाद मशीन उसकी एब्जॉर्बेंस को नोट डाउन करेगा। अब वैसे आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा लैग टाइम को करीब 5 सेकंड तक ऐड कर देता हूँ। इसका ये कारण है
कि बहुत सारी बार जब हमारा रिएक्शन का इंक्यूबेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है और फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसे रूम टेम्परेचर से 37 डिग्री तक आने के लिए 5 सेकंड का समय मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। यदि हमें रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है या हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है, अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक सेटिंग्स के आगे मैन्युफैक्चरर ने DW लिखा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमें डिस्टिल वाटर से ही ब्लैंक रन करना है। तो क्योंकि हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक के आगे जो ऑप्शन नो आ रहा है इसे हम एडिट नहीं करेंगे। इसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप अपने लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा रन कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल या एबनॉर्मल वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यूज़ की ऐड करनी होगी, मतलब हमारे पेशेंट के अंदर कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए बिलरुबिन डायरेक्ट की। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टेब्लिश करनी चाहिए और वो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी चाहिए, लेकिन अगर लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टेब्लिश नहीं करी है तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू के नीचे मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट बिलरुबिन की वैल्यू मेंशन करी है 0 to 0.5 mg/dL, तो यही वैल्यू हम सॉफ्टवेयर में भी ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन यस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्योंकि लो पे पहले से ही जीरो आ रहा है इसलिए हम इसको एडिट नहीं करेंगे। हाई के ऑप्शन पर जाकर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, वैल्यू ऐड करते ही आप यहां पर एंटर दबा दीजिए और फिर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहां पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी, यदि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यदि अगर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड दिया है तो यहां पर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर मेंशन करेगा, लेकिन क्योंकि इस केस में स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है किट के अंदर, इसीलिए यहाँ पर हम इस ऑप्शन के आगे जो स्टैंडर्ड के आगे ऑप्शन नो आ रहा है इसे हम एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो फैक्टर की ऐड करनी होगी। अब फैक्टर की जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फैक्टर फॉर डायरेक्ट बिलरुबिन के आगे 15 मेंशन किया है। अब यही जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ऐड कर देंगे। वैल्यू ऐड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर का ऑप्शन दबाएंगे और इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने IFU में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे और होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग की एंटर करनी होगी, मतलब कि हमारे किट की लीनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लिनियरिटी के आगे 20 mg/dL मेंशन किया हुआ है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लिनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से हम वो वाली वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम सेव करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेव दबाएंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और वो वाली विंडो पे चले जाएंगे जिस विंडो पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजिशन पर जाकर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या अगर आप हमें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।